बाल गुरु प्लस न्यूज़पेपर जैसे उनकी टैगलाइन ही है बच्चों के लिए न्यूज़पेपर, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ बच्चों की न्यूज़ आप जानते ही हैं। जो दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं उसमें टैबलॉइड न्यूज़ ना फिर जो बच्चों के लिए लाइक सही नहीं है वो भी होती है, तो ये न्यूज़पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आता है और काफ़ी नॉलेजफुल न्यूज़ भी हैं इसमें। मैं सोचती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जैसे सबने अभी कहा कि जिन बच्चों को अपना लाइक राइटिंग स्किल्स इनके अच्छे उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने योग्यता को प्रदर्शन करें। मैं उसके बारे में यह कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को अपनी बात लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। इसमें बहुत से विद्यार्थियों ने अपने लेख भेजे और मैंने भी कई बार भेजे अपने चित्र लेख इत्यादि, और यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म। बाल गुरु प्लस एक हमारे लिए एक मीडियम की तरह काम करता है जिसमें हमारी जो अपनी क्रिएशंस होती है चाहे हम पोएम लिखे स्टोरीज लिखे कुछ भी वो हम लोग अपनी छपवा सकते हैं। मेरे कहने में बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, बच्चों के लिए ही है। जैसे आजकल के इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं उनमें बच्चों के बारे में कुछ नहीं होता, और इस न्यूज़पेपर में हिंदी में है, कोई मुश्किल भी नहीं है पढ़ने में और बच्चों के बारे में है, उनको पढ़ना चाहिए। एक तो बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, और फिर जो उस न्यूज़पेपर में आता है उस न्यूज़पेपर में सिर्फ दुर्घटनाएँ मारा मारी और ये सब होता है। इस न्यूज़पेपर में उस चीज़ से हटकर कुछ अलग है, कुछ इन्फॉर्मेटिव है, और इससे बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत भी डालनी चाहिए क्योंकि इसमें उनको नई नॉलेज मिले। बाल गुरु न्यूज़पेपर एक्चुअली जैसे आजकल हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स देखते हैं जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया या इंग्लिश वो पब्लिश होते हैं, उसमें बेसिकली जो हम जैसे 9th 10th के बच्चे उनमें कम आर्टिकल्स आते हैं लेकिन मोस्टली बड़े हो जाते हैं, लेकिन बाल गुरु प्लस ने हमें एक ऐसा मंच प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम अपनी फीलिंग्स अपने देश के लोगों तक यानी बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। मैं बाल गुरु प्लस सोचने ये सोचती हूँ कि वह हर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपने लिखना लिख सकें और चित्र बना सकें। बाल गुरु ये भी हमें देता है बताता है कि कैसे बच्चा जैसे अलग अलग जिस चीज़ में बच्चों को इंटरेस्ट होता है टॉपिक्स पर हम वो भी लिख सकते हैं। जैसे है कि अगर आपने इस बार दिया है टॉपिक ऐसे को बहुत सारे लोगों को पसंद होगा ऐसे मुझे दिया तो मैंने भी लिखा था। ये न्यूज़पेपर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है जिससे बच्चे अपने टैलेंट दिखा सके, और वो ये मैंने आज तक किसी स्कूल्स में नहीं देखा जिस तरह ये हमारा स्कूल प्रोवाइड कर रहा है न्यूज़पेपर, जिससे हमारा कॉन्फिडेंट बिल्ड हो सके, हम लोग अपनी कहानियाँ वगैरह सब छपवा सकें। मैं ये सोचती हूँ कि हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है और हम इससे अपना टैलेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे स्कूल्स में। पर्सनली मुझे अनुच्छेद लिखना अच्छा लगता है, अलग अलग टॉपिक्स पे अपने ओपिनियंस देना अच्छा लगता है। इसमें आप अपने खुद के ओपिनियंस दे सकते हैं और आपके फ़ोटो भी इसमें आती है और वो ऑफकोर्स पब्लिश भी करते हैं। मेरे लिए काफ़ी तरह से फ़ायदेमंद रहा बिकॉज मेरे 2 साल से हिंदी के साथ में नहीं थी काफ़ी टच में, लेकिन अभी जो बाल संसद हुआ उसमें मेरे टीचर ने मुझे कहा कि मैं लिखूँ, और मेरे में काफ़ी कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं इनकॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं लिख सकती या जो भी, बट मैंने वो ट्राई करा और मैंने लिखा और मुझे अभी अपने ऊपर गर्व फील होता है कि हाँ मैं भी लिख सकती हूँ। मेरे लिए इस वक्त फ़ायदेमंद रहा कि मुझे पहले समाचार पत्र पढ़ने का शौक़ नहीं था, परंतु जब से बालगुरु स्कूल में आया है तब से मुझे समाचार पत्र पढ़ने में अच्छा लगता है। मैं एक मीडियम ढूंढती थी कि मैं जो अपनी पोएम्स लिखती हूँ वो मैं कहाँ पर प्रकाशित करवाऊँ, कैसे उसको बढ़ावा दूँ, नेट पर नहीं हो पाता था, तो ये एक न्यूज़पेपर मुझे मिला जहाँ पर मुझे लगा कि हाँ आई कैन डू इट, तो मैंने अपनी बहुत पोएम मेरे को पहले लिखने का शौक था लेकिन किसी को बताने का शौक नहीं था। इसके माध्यम से मैं लिख सकती हूँ और भेज भी सकती हूँ। पर्सनली मैं इसी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ड्राइंग का शौक है। स्कूल में मैं सिर्फ ड्राइंग्स बना के प्राइजेस जीत रही थी, लेकिन अभी न्यूज़पेपर में जो पोस्टर्स मतलब जो हमें डालने होते हैं तो वो डालकर मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया कि मैंने अपनी वो जो बेसिकली जो टॉपिक होता है अपने अंदर का हिडन टैलेंट नहीं पता था। जब मुझे बताया मेरे टीचर ने बताया कि हमें उसमें
आर्टिकल्स लिख के भेजने हैं, तो मैंने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते मुझे ये पता जब पब्लिश होना कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ और अपने अंदर का हिडन टैलेंट मैंने फाइंड किया। उसने मुझे मोटिवेट करा है कि हमें कैसे हमें लिखना चाहिए, और जैसे हम आपने पहले पब्लिश करा था उस पब्लिश को देख हम समझ समझ के मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है जो मैंने अभी सेंड करा है। ये हमें जैसे दूसरे बच्चे लिखने अपनी कहानियाँ छपवाते हैं, जो ड्राइंग्स वगैरह छपवाते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। हमारा जो डर होता है कि हम नहीं कर सकते, वो हमारा डर बाहर निकल के हम भी कहते हैं कि हाँ हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। पर्सनली इस तरह फैनमेंट रहा है कि दूसरे स्कूल्स के आर्टिकल्स, नॉवल्स और कहानियाँ, लेख और कविताएँ पढ़ के मैं अपने स्कूल में कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकती हूँ सबको पढ़कर, और मैं भी दूसरे स्कूल के आर्टिकल्स वगैरह को पढ़कर मेरा माइंड डेवलप भी होता है। दूसरे स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि बालगुरु प्लस बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है, और अपने ओपिनियन जितने आप दे सकते हैं उतने दीजिए। बहुत ही नॉलेजफुल बातें तो होती हैं इसमें, और वो आपका पब्लिश भी करते हैं चाहे आपने जैसा भी लिखा हो। ये जो आपकी टैलेंट है उसको बाकी लोगों को दिखाइए, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हर बच्चे को नहीं मिल पाता शायद, और ये आपको ना ही सिर्फ दूसरों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए पर दूसरों के काम से सीखने के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं उनको यह कहना चाहूँगा कि आप भी ये सारे कि आप भी बालगुरु पढ़ा कीजिए, और अपने लेख, कविताएँ, विचार इत्यादि व्हाट्सएप या उनकी वेबसाइट www.balguru.com तक पर भेजें। एक जो क्रिएटिव माइंड होता है वो यही सोचता है कि जब उसको कुछ डाउट होता है तो ही ट्राइज टू फाइंड आउट कि दूसरे बंदे क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं, क्रिएशंस अपनी बढ़ जाती हैं, उससे माइंड थॉटफुल हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब उसे पढ़ते हैं। उनको भी अपना टैलेंट दिखाना चाहिए सबको, और सबके सामने अपने विचार पेश करने चाहिए जिससे कि उनको ही लाभ हो। पर्सनली मैं इसी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ड्राइंग का शौक है। स्कूल में मैं सिर्फ ड्राइंग्स बना के प्राइजेस जीत रही थी, लेकिन अभी न्यूज़पेपर में जो पोस्टर्स मतलब जो हमें डालने होते हैं तो वो डालकर मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया कि मैंने अपनी वो जो बेसिकली जो टॉपिक होता है मैं वो और लोगों को भी समझा पाई एंड मैं अपना भी वो दिखा पाई। बेसिकली वो लोग ही अपने आर्टिकल्स पब्लिश होने के लिए भेजते हैं जो जिनको इंटरेस्ट होता है, और बाकी सब उसे पढ़ते हो मोस्टली पढ़ते भी नहीं हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस ये तेरा आर्टिकल आया ये सब बस ये बोलते हैं। बेसिकली ये चाहता हूँ कि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी अपना आर्टिकल भेजें ताकि वो पब्लिश हो या ना हो, लेकिन आपका कभी तो अच्छा होगा और कभी तो पब्लिश होगा। मैं कहना चाहूँगी कि वो प्लीज़ भी पढ़ें क्योंकि बहुत अच्छा है, और ना कि दूसरे पर पढ़ें कि बच्चों के न्यूज़पेपर है ये हमें सबको पढ़ना चाहिए। वो इस न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसमें आपकी बहुत आपके लिए नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि ये न्यूज़पेपर पढ़ें क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है और इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। बदलाव में ये चाहता हूँ जैसे बच्चों का आर्टिकल बीच में आता है कि एक फन कॉर्नर टाइप जिसमें आर्टिकल्स आते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो फ्रंट पेज पे आ रहा है छोटा सा कॉर्नर, जिससे कि मोस्ट ऑफ द पीपल उसको नहीं देखना चाहते, मतलब लाइक इतना नहीं ध्यान देते, तो मैं चाहता हूँ फ्रंट न्यूज़ पे आए तो ज़्यादा अच्छा। वैसे तो ज़्यादा बदलाव की नहीं ज़रूरत, बट मैं चाहूँगी कि जनरल नॉलेज के भी और क्वेश्चन आए, जैसे आजकल के युवाओं को जनरल नॉलेज के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, उनको पूछो उनको बस ये पता है कि बॉलीवुड में कौन बेस्ट एक्टर था, उनको नहीं पता होता कि शायद इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है या कुछ आसपास का नहीं पता होता, तो चाहूँगी कि कुछ ऐसी जनरल नॉलेज की चीज़। जिन बच्चे ने अभी तक समाचार नहीं पढ़ा उनके लिए भी उनके लिए विज्ञान से जुड़ी बातें, प्रकृति से जुड़ी बातें और भी आनी चाहिए। बदलाव ऐसा कुछ नहीं, पर महीने में एक बार ही आता है, थोड़ा जल्दी आए तो अच्छा होगा, और थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाए अगर डिज़ाइंस हो इसमें। अगर उनको कुछ सेंड करना है तो व्हाट्सएप पे ना सेंड करें, नॉर्मल मैसेज पे भी सेंड कर सकते हैं क्योंकि थोड़े बच्चों के पास व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है। ठीक है, अगर उनमें कोई ऐसा टैलेंट है कि वो अच्छा लिख सकते हैं या अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं तो जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है वो उन्हें भी मिले, और न्यूज़पेपर जो नहीं पढ़ते वो पढ़ें क्योंकि उसमें उन बुरी चीज़ों से हटकर कुछ अलग और कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनसे उनको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी, तो वो उसे पढ़ें।
बदलाव अगर मैं चाहता हूँ तो बेसिकली यही चाहता हूँ कि इसमें जैसे हम आर्टिकल्स हैं पढ़ने वाले, वो तो एक नॉलेजफुल बात होगी और बेसिकली नॉलेजफुल वाली चीज़ें होती हैं, बट हम उससे अगर बाल गुरु में थोड़ा एंटरटेनमेंट हो तो उस पर बड़ी क्या बात, चार चांद लग जाए। हाँ, उस बाल गुरु प्लस में गणित का भी क्वेश्चन होने चाहिए, साइंस रिलेटेड भी क्वेश्चन होने चाहिए। ये न्यूज़पेपर काफ़ी इतना अच्छा है कि इसमें कोई बदलाव की कोई जरूरत नहीं। तो मैं कुछ नहीं चाहती क्योंकि वैसे ही बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है।